नसरुल्लागंज में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी महाराजाधिराज अग्रसेन जयंती महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से हलवा समाज द्वारा किया गया, जिसमें अग्रवाल समाज नसरुल्लागंज द्वारा 18 सितंबर 2022 से ही अग्रसेन जयंती कार्यक्रम शुरू हो गए थे, जिसमें अग्रवाल समाज द्वारा दिनांक 18 सितंबर 2022 को नर्मदा घाट नीलकंठ पर स्वच्छता कार्य किया गया और दिनांक 19 सितंबर 2022 को हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों को फल वितरण किए गए। दिनांक 20 सितंबर 2022 को वृक्षारोपण के कार्यक्रम के दौरान तुलसी बगिया लगाए गए। दिनांक 20 सितंबर 2022 को बालक बालिकाओं की कार्यक्रम रखे गए, जिसमें पहली से पांचवी तक म्यूजिकल चेयर रेस, चम्मच दौड़, बास्केट एंड बॉल, छठवीं से दसवीं तक मोमबत्ती जलाओ, बोरा रेस, गली क्रिकेट। दिनांक 21 सितंबर को श्रीराम गौशाला में गौ माता सेवा की गई, साथ ही आंगनबाड़ी में फल वितरण किए गए और दिनांक 21 सितंबर को पहली से पांचवी तक म्यूजिकल चेयर रेस, रस्सी कूद, बास्केट एंड बॉल, म्यूजिकल चेयर रेस, रंगोली, छठवीं से दसवीं तक सम्मिलित कार्यक्रम हुए और दिनांक 22 सितंबर को छठवीं से बारहवीं तक बालक एवं बालिका क्विज कॉन्टेस्ट, ग्यारहवीं से ऊपर बालक मटकी फोड़ प्रतियोगिता, बैडमिंटन का कार्यक्रम किया गया। बालिकाओं एवं महिलाओं के कार्यक्रम दिनांक 23 तारीख से शुरू किए गए, जिसमें बर्तन की रंगोली, अंताक्षरी, बड़ी बालिकाओं के कार्यक्रम मटकी फोड़, एक मिनट गेम। दिनांक 24 सितंबर को एक रुपया एक ईंट सजाना, बच्चों की थीम पर डांस, बड़ी बालिकाओं की फैंसी ड्रेस, चेयर गेम, डिजिटल लूडो। 25 तारीख को बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम एवं बालिका छात्रावास में शिक्षण सामग्री मोहित अग्रवाल, गोल्डी एवं हर्ष अग्रवाल द्वारा भेंट की गई। 26 तारीख दिन सोमवार को समस्त अग्रबंधुओं द्वारा शाम 4 बजे मिलन मैरिज गार्डन से श्री अग्रसेन महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई अग्रसेन चौराहा पहुंची। वहां पर श्री अग्रसेन महाराज जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं पूजा आरती की गई। इस शोभा यात्रा में अग्रवाल समाज के सभी वर्गों द्वारा मारवाड़ी ड्रेस में नजर आ रहे पीछे अग्रसेन महाराज एवं महारानी माधवी की झांकी अलग छटा छा रही थी, जिसे हर व्यक्ति मनमोहित हो रहा है, क्योंकि नसरुल्लागंज में पहली बार इस प्रकार की झांकी सजाकर एक नया संदेश दिया गया। चल समारोह नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ पुणे मिलन मैरिज गार्डन पहुंचा, जहां समस्त प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया एवं महिला मंडल एवं नवयुवक मंडल द्वारा जो प्रतियोगिता करवाई गई, उन समस्त बच्चों को एवं महिलाओं को इनाम वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें समस्त अग्रबंधुओं द्वारा रात्रि भोज कर कार्यक्रम का समापन किया गया। नसरुल्लागंज से आनंद अग्रवाल की रिपोर्ट।